झारखंड उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक जनहित याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उन्होंने राज्य विधानसभा में नमाज अदा करने के लिए एक कमरा आवंटित किया था। दावा किया गया है कि यह गलत चलन है। यह आरोप लगाते हुए कि अधिनियम असंवैधानिक है, याचिकाकर्ता ने सवाल किया कि क्या ऐसा आवंटन करदाता के पैसे से बने भवन पर किया जा सकता है। हम इसको सही नहीं मानते हैं। यहाँ धर्म निरपेक्षता है। एक धर्म के लिए कुछ हम बात करें तो उचित नहीं होगा। अगर होना है तो सबके लिए करें। यदि गिरजाघर भी बनाए, वो खास करके जो ये है गुरुद्वारा है वो बनावे, फिर हमारे हिंदू लोग हैं तो उनको मंदिर बनावे, मुसलमान भाई हैं तो उसके लिए मस्जिद बनावे। लेकिन ये उचित नहीं है कि विधानसभा के प्रांगण में इस तरह की व्यवस्था हो। याचिकाकर्ता भैरव सिंह ने कहा कि विधानसभा भवन लोकतंत्र का मंदिर है और किसी की निजी संपत्ति नहीं है। गौरतलब है कि विधानसभा अध्यक्ष ने नमाज अदा करने के लिए कमरा नंबर TW 348 आवंटित किया है। इसके बाद भाजपा ने मांग की है कि विधानसभा परिसर में एक हनुमान मंदिर और अन्य धर्मों के पूजा स्थल बनाए जाएं। झारखंड में या कहीं भी संविधान यानी सबों के लिए समान कानून, अगर किसी धर्म विशेष को अगर तुष्टिकरण के लिए आप नमाज पढ़ने के लिए देते हैं तो हम सबों को भी हनुमान चालीसा और गीता पाठ का जगह मिलना चाहिए। जब दल के पास कोई मुद्दे नहीं रह जाते हैं ना, कोई टॉपिक नहीं रहता है, तो इसी तरीके का आचरण अपनाकर सदन को बाधित करने का उनका पहले से ही प्लान है। आज मुख्यमंत्री प्रश्नकाल था और मुझे लगता है कि इतना मुख्यमंत्री प्रश्नकाल पहले कभी नहीं आया था। हम लोग पूरी तैयारी में थे कि सारी चीज का जवाब हम लोग देंगे, तो मुझे जवाब देना था। दुर्भाग्य है और ऐसे ही मानसिकता की वजह से राज्य को विकास में जो गति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती।